नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। सबसे पहले बात बंगाल के चुनावी घमासान। दीदी के घोषणा पत्र में घर घर राशन का वादा आखिर क्यों? मदरसों को मान्यता क्यों देंगी दीदी? बंगाल में बीजेपी का नया चक्रव्यूह क्या है? वैक्सीन पर टीएमसी के दावों का सच आखिर क्या है? और बंगाल के चुनावी संग्राम में दुर्गा वर्सेस श्रीराम क्यों? बंगाल इलेक्शन पर आप देखिए टॉप नाइन बंगयुद्ध। आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने घर घर राशन और पेंशन भत्तों का वादा किया है, तो उन्होंने अब किसानों को 6,000 की जगह 10,000 रुपए देने का चुनावी वादा भी कर दिया। ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो में बेशुमार वादे किए हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मदरसों को सरकारी मान्यता देने का चुनावी वादा किया, तो मैनिफेस्टो में हर भाषा और सभी धर्म को महत्व देने की घोषणा भी शामिल है। दिल्ली में बंगाल चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इससे पहले आज सुबह जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीईसी के लिए होमवर्क हुआ। इस बैठक में चार चरणों के बाद के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। टीएमसी ने नंदीग्राम में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की मांग की। टीएमसी ने चुनाव आयोग को खत लेकर कहा कि शुभेंदु ने नामांकन में गलत जानकारी भरी है। टीएमसी ने शुभेंदु की दो जगह वोट होने का दावा किया है। आज झारग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि क्या बंगाल के लिए बीजेपी ने कुछ किया है। उन्होंने बीजेपी पर पैसे देकर वोट मांगने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी से पैसे लेने के बाद वोट मत देना, टीएमसी हर धर्म का सम्मान करती है। झारग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन नहीं भेज रही। उन्होंने जनता से मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा भी किया। वैक्सीनेशन पर ममता बनर्जी की चुनावी घोषणाओं पर सियासत भी सरगर्म है। फ्री टीका देने की झड़ी लगाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आज ममता बनर्जी ने डेंगू और मलेरिया का टीका भी फ्री देने का दावा किया, लेकिन डेंगू और मलेरिया की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। आज झारग्राम की सेकेंड रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। बीजेपी राज में सबको जय श्री राम कहना पड़ेगा। दीदी ने कहा कि बंगाल में माँ दुर्गा की मान्यता सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटाने के फैसले पर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। सीएम ने विवेक सहाय की फिर से बहाली के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखा है, तो ईसी ने सीएम के आरोपों को खारिज कर दिया। बंगाल के इलेक्शन में कोयले के दाग किस पर पड़ेंगे भारी? असम के चुनाव में घुसपैठ की एंट्री क्यों? और आज चुनाव आयोग के एक्शन से कैसे मचा हड़कंप? चुनावी राज्यों की खबरों के लिए आप देखिए टॉप नाइन इलेक्शन रिपोर्ट। कोल स्कैम पर हुए बड़े खुलासे से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की घूस लेने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के करीबी मिश्रा बंधु ने 750 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए थे। पुरुलिया में बीजेपी अंबेडकर रथ यात्रा के दौरान हुए अटैक पर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह हमला टीएमसी के गुंडों ने ही किया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया है। कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव और शरद पवार को पत्र लिखकर टीएमसी के पक्ष में प्रचार नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता कांग्रेस के साथी हैं, ऐसे में बंगाल में दोनों नेताओं के प्रचार से भ्रम पैदा होगा। बंगाल के बेहाला ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के दुख तकलीफ और समस्याओं में साथ खड़े होना उनकी प्राथमिकता है। उन्हें प्रचार में अभिनेत्री होने का भी फायदा मिल रहा है। सीएम योगी ने आज गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और कहा कि कामाख्या मंदिर में माता और राम के जयकारे सुनकर आनंद मिला। उन्होंने कहा कि असम की संस्कृति को बचाना और सहजना बीजेपी का मिशन है। असम के होजाई की रैली में आज सीएम योगी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तुष्टिकरण की वजह से असम में घुसपैठ हुई। पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट विकास की राह देखता रह गया। पांचों चुनावी राज्यों से इलेक्शन कमीशन ने 331 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। चुनावी खर्च निगरानी प्रक्रिया के तहत बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक्शन हुआ है। इन राज्यों में काले धन पर रोक लगाने के लिए 295 ऑब्जर्वर तैनात हैं। आज बीजेपी ने तमिलनाडु, केरल और असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। आज की लिस्ट में कुल 7 नाम हैं। केरल में 4, तमिलनाडु में 2 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों संग बैठक में क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी? क्या देश पर मंडरा रहा है सेकेंड पीक का खतरा? और कोरोना की तेज रफ्तार के लिए आखिर कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार? इन खबरों के लिए आप देखिए टॉप नाइन विस्फोटक कोरोना।
मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर सावधानी नहीं बरती तो पूरे देश में कोरोना फिर से फैल सकता है। पीएम ने कहा कि इस बार टीयर 2 टीयर 3 शहर ज्यादा प्रभावित हैं, लिहाजा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट पर गंभीरता से जोर देना होगा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहरों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की बर्बादी भी रोकनी होगी। पीएम ने आगाह किया कि अगर गांव तक कोरोना पहुंचा तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए दवाई और कड़ाई के मंत्र का पालन करना बेहद जरूरी है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। मुख्यमंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की उभरती सेकेंड पीक को हमें तुरंत रोकना होगा। बैठक में महाराष्ट्र ने 35 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,903 नए केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 188 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कुल सक्रिय मामलों में 71% हिस्सेदारी है। देश के 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में पालघर के एक और स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हुआ। नंडोरे आश्रम स्कूल में 30 छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जवाहर आश्रम स्कूल में 72 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। गुजरात में कोरोना ग्राफ में आई तेजी के बाद अहमदाबाद में सभी चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थान कल से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं आज रात से 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिले हैं। इनमें ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोविड स्ट्रेन शामिल हैं। फिलहाल देश में नए वेरिएंट्स के 242 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना कहर के बीच भारत में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। अब तक देश में 3,50,64,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक अच्छी खबर ये है कि मॉडर्ना अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी वैक्सीन का परीक्षण करने जा रही है। आखिर क्यों हटाए गए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह? एंटीलिया केस में क्या है नया अपडेट? सीएम अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? और कहां पर कलयुगी बेटे ने मां को मार डाला? राज्य और राष्ट्र की बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह हेमंत नागराले ये जिम्मेदारी संभालेंगे। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परमवीर सिंह को होमगार्ड में शिफ्ट किया गया है। एंटीलिया केस की जांच में सचिन वाजे का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में वाजे ने माना है कि प्रसिद्धि पाने के लिए उसी ने रची थी विस्फोटकों की साजिश। हालांकि एनआईए को उसके बयान पर पुख्ता भरोसा नहीं है, वो जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। एनआईए को जांच में पता चला है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो को पार्क करने के बाद ड्राइवर को कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही इनोवा में बिठा कर ले गया। एनआईए को यह भी पता चला कि घटना से 8 दिन पहले मनसुख हिरेन और वाजे गुप्त जगह पर मिले थे। जेएनसीटी बिल को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर कर जनता के काम रोकना चाहती है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के महिलाओं की फटी जींस पहनने को लेकर दिए बयान पर विवाद छिड़ गया है। तीरथ ने देहरादून में हुए एक कार्यक्रम में फटी जींस पहने महिला के संस्कारों पर सवाल उठाए। इस बयान से सीएम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र पर किए गए बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल के गद्दाफी सद्दाम वाले शासन की स्थिति देश में तभी बनी जब आपातकाल लगा था। उन्होंने राहुल पर देश के मतदाताओं के अपमान का आरोप लगाया। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 आज सुबह क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस पर प्रशिक्षण के लिए रवाना होते वक्त यह हादसा हुआ। आईएएफ ने इस दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता के शहीद होने की पुष्टि की है और दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अजान की तेज आवाज पर एतराज जताया है। उन्होंने प्रयागराज के डीएम को खत लिखकर इसकी शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक अलसुबह मस्जिद के लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान नींद में खलल डालती है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।